नमस्कार, मैं हूँ साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये बात है 2014 की, यूनाइटेड स्टेट्स के ओरिगन में। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन एक ऐसे बड़े फार्म का था जो 20 एकर्स में फैला हुआ था और जो कि वहाँ के शहर के आबादी से बहुत दूर एक जंगल में बसा हुआ था। पुलिस के पास वहाँ के एक आदमी के गुमशुदा होने का रिपोर्ट आया था, क्योंकि वहाँ के लोकल्स को ये पता था कि वो गुमशुदा आदमी आखिरी बार उसी फार्म में देखा गया था। इस सर्च के दौरान एक ऑफिसर को वहाँ के फार्म के बाहर जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही वो उस चीज के पास आया और उसे गौर से देखा तो उसके पसीने छूट गए। वहाँ वो ऑफिसर जो देखता है, अगले ही दिन वो पूरे अमेरिका में फ्रंट पेज न्यूज बन जाता है। और मीडिया के जरिए जैसे ही ये कहानी लोगों तक पहुँचती है, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की कहानियाँ पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। आपका ये छोटा सा एक्शन मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अमेरिका के सुजैन मोनिका की, जो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही थी। उसके कम लेकिन बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। उसके पास बहुत अच्छी एक इंजीनियर की जॉब थी और वो एक ऐसे शहर में रहती थी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में माना जाता है, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। लेकिन सुजैन दिल से खुश नहीं थी। वो सब चकाचौंध की जिंदगी उसकी चॉइस नहीं थी, बल्कि उसकी मजबूरी थी। अंदर से वो एक ऐसी औरत थी जिसे शांत जगह और अकेला रहना पसंद था, जो कि सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो हर दिन जब भी दिन भर का काम करके घर वापस आती थी, वो शांति से अकेले बैठ के बस यही सोचती थी कि वो इस शहर से बहुत दूर जाना चाहती है। वो ऐसे सपने देखती थी कि उसके पास एक बड़ा सा जमीन हो जिसके आसपास कोई भी ना हो, जहाँ वो खुद की खेती करे, जानवरों को पाले और अपनी बाकी की जिंदगी बड़े मजे से एक सिंपल लाइफ को जीते हुए गुजारे। और एक दिन 1991 में जब सुजैन 43 इयर्स की हो जाती है, उसका ये सपना वो पूरा कर लेती है। वो उस साल ओरिगन के एक वाइमर टाउन में 20 एकड़ में फैला हुआ एक जमीन खरीदती है, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन से दूर एक जंगल के अंदर था और उसके आसपास कोई आबादी नहीं थी। सुजैन अपने डिसीजन से बहुत खुश थी। उसे लोगों से मिलना इतना पसंद नहीं था और उसके हिसाब से उसके लिए वो जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। अपने सपने के उस फार्म को बनाना और अपनी बाकी की जिंदगी उस फार्म में नेचर के साथ गुजारना। और क्योंकि वो प्रोफेशनली एक इंजीनियर थी, वहाँ अपना फार्म एस्टेब्लिश करने के लिए उसके पास पूरा प्लान था। और साथ ही साथ वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थी। वो एक ऐसी औरत थी जो मर्दों वाले मैनुअल काम करने के लिए भी डरती नहीं थी। और वो कुछ दिनों बाद वाइमर के अपने जमीन पर शिफ्ट हो जाती है और कुछ महीने वो वहाँ बैठ के अपने लिए एक छोटा सा घर, जानवरों के लिए शेल्टर और बाकी जितनी भी जरूरत की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है सबको वहाँ खड़ा कर देती है। उसका सपनों का फार्म तैयार हो जाता है। फार्म तैयार होने के बाद सुजैन वहाँ जानवरों को पालना और खेती करना शुरू करती है। और तब सुजैन को पता चलता है कि फार्म बनाना इतना तकलीफ का काम नहीं है जितना कि उसे मेंटेन करके रखना। तब सुजैन पूरे वाइमर टाउन में एडवर्टाइजमेंट करते हुए फ्लायर चिपका देती है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो उसे उसके फार्म में मदद कर सके। और उसके बाद वाइमर टाउन से बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के लिए सुजैन को अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि सुजैन को सिर्फ एक ही हेल्पर की जरूरत थी, वो उनमें से सिर्फ एक ही को हायर करती है। वो यूं ही अपने फार्म में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रही थी। इन सालों में उसके पास कई सारे लोग काम करने आए। उसने कईयों को हायर किया। कोई एक महीना टिकता, कोई एक सप्ताह, तो कोई 6 महीना। उसके साथ कोई भी परमानेंट नहीं था। वो हमेशा एक जाने के बाद एक नया हेल्पर हायर करती थी। सुजैन को बस अपने काम से मतलब था। उसने अपने जितने भी हायर्ड हेल्पर थे उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे और काम खत्म होते ही वो चले जाएं। सुजैन का किसी से कुछ घुलने मिलने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से ही अकेला रहना पसंद था, तो वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी। जब से वो अपने फार्म में रह रही थी, उसके 20 साल तक उसने किसी भी हायर्ड हेल्पर के बारे में उसके काम छोड़ने के बाद दोबारा कभी नहीं सुना। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। ये दिन था 1 जनवरी 2014 का। अब सुजैन 66 इयर्स की हो चुकी थी। सुजैन अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसे दूर से एक कार अपने फार्म की ओर आते हुए दिखाई दी। इतने सालों में सुजैन ने किसी भी गाड़ी को अपने वहाँ आते नहीं देखा, क्योंकि उससे मिलने कोई नहीं आता था, और इसीलिए वो पूरे ध्यान से उस गाड़ी की ओर देख रही थी। उसकी नजरें उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे वो कार पास आते हुए उसके फार्म में एंटर करते हुए वहाँ कार रुक जाती है। वहाँ से 3 लोग निकलते हैं, जिनमें से 2 जवान मर्द थे और 1 लड़की थी। इससे पहले कि सुजैन उनसे पूछती कि वो कौन है और किस लिए वहाँ आए हैं, वो सुजैन को बोलते हैं कि वो अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं, जिनका नाम रॉबर्ट हैनी है। उन्होंने सुजैन को ये बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि वो सुजैन के घर पे काम करते हैं। रॉबर्ट हैनी के पास अपना एक कैंपर था और वो सुजैन के फार्म में ही अपने कैंपर पे रहता था।
रॉबर्ट के बच्चों ने बताया कि उनके पिताजी उन्हें बीच बीच में कांटेक्ट करते रहते थे, लेकिन अभी बहुत दिनों से उनके पिता ने उन्हें एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी के पास कोई सेलफोन नहीं था और वो हमेशा अपने काम करने का जगह बदलते रहता था, तो इसीलिए वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय से रॉबर्ट से कांटेक्ट ना होने के कारण उनके बच्चों को चिंता होने लगी और इसीलिए वो अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़े हैं। तो उसके बाद रॉबर्ट के बच्चों ने सुजैन से पूछा कि क्या उसको रॉबर्ट के बारे में याद है और क्या वो जानती है कि वो अब कहाँ है। सुजैन ने बताया कि उसने रॉबर्ट को हायर किया था उसके फार्म में काम करने के लिए, और शुरू में रॉबर्ट बहुत अच्छी तरह से सारा काम करता था। उसके साथ एक कुत्ता भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। सुजैन ने बताया कि 5 महीने फार्म में काम करने के बाद अगस्त में रॉबर्ट बिल्कुल चेंज हो गया। वो हमेशा पीता रहता था और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। वो काम भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा था। रॉबर्ट हमेशा पी के अपने कैंपर के बाहर ये चिल्लाता रहता था कि वो किसी से बदला लेना चाहता है जिसने उसके बेटे को कभी मारा था। रॉबर्ट को ये गिल्ट था कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया था, उसके रहते किसी ने उसके बेटे को पीट दिया था, और इसीलिए वो हमेशा दारू पी के नशे में फ्रस्ट्रेटेड रहता था और हमेशा बदले की बात करता रहता था। सुजैन ने बच्चों को बताया कि वो रॉबर्ट का तकलीफ समझती थी और इसीलिए उन्होंने उसके बिहेवियर को कुछ दिन तक इग्नोर किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया सुजैन ने फाइनली उससे इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन तभी रॉबर्ट उसके पास आया। वो वहाँ आते ही सुजैन को एक एनवेलप देता है जिसके अंदर कुछ पैसे थे और बोलता है कि कुछ समय तक सुजैन उसके डॉग का ख्याल रखे, वो कुछ काम से किसी दूसरी जगह जा रहा है और जल्दी वापस आएगा। सुजैन आगे कहती है कि उसने उस एनवेलप को ले लिया था और रॉबर्ट थैंक यू कहते हुए जाके एक व्हाइट कलर की कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। और ये बात सितंबर की थी और अभी 4 महीने हो गए हैं उसका एक बार भी रॉबर्ट से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। रॉबर्ट का कैंपर अभी भी सुजैन के प्रॉपर्टी में ही था और वो उसके बच्चों को कैंपर के पास लेके जाती है। जब उसके बच्चे कैंपर में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिताजी का सामान अभी भी उस कैंपर में पड़ा हुआ है, और तभी एक बेटे की नजर उनके पिताजी के टूल बेल्ट पर पड़ती है। उनको ये अच्छी तरह से पता था कि उनके पिताजी हमेशा उनके टूल बेल्ट को अपने साथ रखते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में ही इधर उधर जाते थे और साथ में उनका टूल बेल्ट हमेशा रहता था। उनके जहन में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्यों उनके पिताजी अपने टूल बेल्ट को, जो उनकी रोजी रोटी का सामान था, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे इतने महीने तक। और उसके बाद रॉबर्ट के बच्चे सुजैन को थैंक्स कहते हुए उनसे कहते हैं कि अगर उनके पिताजी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो उन्हें जल्द से जल्द खबर करें, और वो वहां से अपने कार में निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद रॉबर्ट के बच्चे सीधा जैक्सन काउंटी शेरिफ के ऑफिस जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन उनको जल्द ही यह पता चलता है कि उनके पिताजी को ढूंढना वहां के शेरिफ के लिए भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी के पास ना तो कोई सेलफोन था और ना ही कोई परमानेंट एड्रेस। वो हमेशा काम के सिलसिले में अपनी जगह बदलता रहता था और इसीलिए उनका लोकेशन ट्रेस करना शेरिफ के लिए भी बहुत मुश्किल काम होने वाला था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर भी रॉबर्ट के बच्चों की बातें सुनते हुए उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बच्चों ने शेरिफ और डेप्यूटी के साथ वो सारी बातें शेयर की जो सुजैन ने उन्हें बताई थी, और उनकी बातें सुनके इन्वेस्टिगेटर्स को ये डाउट होता है कि शायद हो सकता है कि रॉबर्ट ने नशे के हालत में गुस्से में किसी का खून कर दिया है और वो अभी छुप के बैठा हुआ है। शेरिफ उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई भी ऐसा लीड है या तो ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से वो उनके पिताजी को ट्रेस कर सके। इस पर कुछ सोचने के बाद उनका एक बेटा बोलता है कि उनके पिताजी के पास एक EBT कार्ड है। EBT एक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड है जिसे US में वेलफेयर स्कीम के तहत वहाँ के जरूरतमंदों को दिया जाता है। उस कार्ड को यूज करके वो लोग कुछ सेलेक्टेड स्टोर्स में अपने लिए खाने का सामान खरीद सकते हैं, और हाँ, ये कार्ड बिल्कुल ट्रेसेबल है। कुछ दिनों बाद जब रॉबर्ट के EBT कार्ड का लोकेशन ट्रेस होता है, इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चलता है कि वो कार्ड सुजैन के घर से 30 मिनट दूर वॉलमार्ट में करीब 1 महीने पहले यूज किया गया है। इस लीड के मिलते ही इन्वेस्टिगेटर्स बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वॉलमार्ट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के वो CCTV फुटेज का छानबीन करने लग जाते हैं। लेकिन घंटों बैठ के वहां CCTV फुटेज को खंगालने के बाद भी उन्हें वहां रॉबर्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस फुटेज में वहां सुजैन जरूर दिखाई दी। और उनको ये जानकर तब और अजीब लगा जब उन्हें ये पता चला कि सुजैन ही रॉबर्ट का कार्ड यूज कर रही थी। और ऑब्वियसली उस बात से इन्वेस्टिगेटर्स को सुजैन के ऊपर शक हो जाता है और वो अपने ऑफिस पहुंच के सुजैन के नाम एक सर्च वारंट बनाना शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद 10 जनवरी 2014 को शेरिफ और उनके डेप्यूटी सुजैन के फार्म पहुंचते हैं और सुजैन वहां उनको देखकर बड़ी पॉजिटिवली उनका स्वागत करती है और वो उनसे पूछती है कि उनका वहां आने का रीजन क्या है। इस पर वो सुजैन को बताते हैं कि वो रॉबर्ट हाइने के गुमशुदा होने के केस में वहां सर्च वारंट लेके आए हैं ताकि वो सुजैन के फार्म को सर्च कर सके। और इससे पहले कि सुजैन आगे कुछ कह पाती, शेरिफ हाथों से इशारा करते हुए बोलता है कि प्लीज वो अपने घर के अंदर चले जाए, उन्हें उनके साथ इस केस के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। शेरिफ का बर्ताव देखते हुए सुजैन चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है
और उसके पीछे पीछे शेरिफ भी अंदर चला जाता है। बाकी डेप्यूटीज पूरे फार्म का सर्च करने में लगे हुए थे। वो चारों तरफ फैल के एक एक कोने को खंगाल रहे थे। घर के अंदर सुजैन शेरिफ के अपोजिट एक चेयर में बैठी हुई थी। शेरिफ उनको ऊंची आवाज में बोलता है कि उनको सब कुछ पता चल गया है और उनके पास सारा सबूत है जहां वो रोबोट का EBT यूज कर रही थी, और इसीलिए वो सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। शेरिफ के ऐसा बोलते ही सुजैन का जो सीरियस वाला चेहरा था वो अचानक बदल गया। वो अचानक से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि शेरिफ की बातें सुन के उसका बोझ हल्का हो गया, और बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट मैनर से वो शेरिफ से कहती है कि उसने रोबोट का EBT नहीं चुराया है, बल्कि रोबोट ने खुद ही उसे अपना EBT दिया है, और साथ ही एक एनवलप भी दिया था जिसमें कुछ पैसे भी रखे हुए थे। उसके बाद वो मेरे यहाँ से चला गया था, और इस बात को करीब 4 महीने गुजर चुके हैं। जाते हुए रोबोट ने सुजैन को कहा था कि वो उसके डॉग का ख्याल रखे, और इसीलिए उसने उसे एनवलप में कुछ पैसे भी दे दिए थे। सुजैन आगे बताती है कि रोबोट ने उसे कहा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर जाते हैं और वो नहीं आता। धीरे धीरे रोबोट ने जो एनवलप में पैसे दिए थे वो खत्म हो जाता है, और डॉग फूड लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और इसीलिए उसने रोबोट का कार्ड यूज किया था। सुजैन शेरिफ को बोलती है कि अगर उसने रोबोट का कार्ड चोरी ही किया होता तो उसके पास पिन कहां से आता। वो बताती है कि रोबोट खुद ही उसका EBT और पिन दोनों देकर गया था। शेरिफ को यूं तो उसकी बातों में यकीन नहीं होता है, और वो अपनी पूछताछ जारी रखता है। बहुत देर पूछताछ करने के बाद भी वो सुजैन से कुछ उगलवा नहीं पाता। सुजैन की बातों से आखिर में शेरिफ को भी भरोसा होने लगता है, और उनको ये लगता है कि सुजैन के ऊपर उनको जो शक था वो गलत निकला, और वो इस सर्च ऑपरेशन को वहीं रोक के वापस जाने का सोच रहे थे। और जैसे ही वो शेरिफ अपने चेयर से खड़ा होकर जाने वाला था, वहाँ एक डेप्यूटी दौड़कर अंदर आता है और शेरिफ के कानों में कुछ कहता है। वो डेप्यूटी जब कानों में कुछ कह रहा था, शेरिफ की आंखें और बड़ी हो गई थी और उनके चेहरे का रंग भी उतर गया था। जैसे ही वो डेप्यूटी अपनी बातें करके वापस चला जाता है, शेरिफ फिर से ऊंची आवाज में सुजैन से बोलता है, मैम आपको हमारे साथ ऑफिस आना होगा। इन्वेस्टिगेशन रूम में सुजैन को टेबल के साइड में एक चेयर में बैठा दिया गया। वो वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। तभी वह शेरिफ एंटर करता है और वहाँ उसके साइड में ही एक चेयर में बैठ जाता है, और सुजैन से पूछता है कि क्या उसके प्रॉपर्टी में किसी की मौत हुई है। इस सवाल पर सुजैन ने जो कहा वो इतना खौफनाक और अनएक्सपेक्टेड था कि मीडिया में आने के बाद वो पूरे देश में हेडलाइन बन गया था। सुजैन शेरिफ को ये बताती है कि उसने अभी तक जो भी कहानी सुनाई है वो सब कुछ सच है, सिवाय एक पॉइंट की जिसे उसने अभी तक शेरिफ को नहीं बताया। वो बोलती है कि रोबोट का उसको पैसे से भरा हुआ एनवलप और EBT कार्ड देके जाने के बाद वो एक बार रिसेंटली ही वापस आया था। वो आगे बोलती है कि रोबोट के आने के बारे में उसे सुबह ही पता चला। सुबह सुबह जब वो अपने जानवरों को दाना देने जा रही थी, वो देखती है कि जहाँ यूं तो वहाँ के सुअर रोजाना यूं ही जहाँ तहाँ बैठे रहते थे, लेकिन उस दिन उन सारे सुअरों ने एक सर्कल सा झुंड बना के रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो सारे मिलके झुंड में किसी एक चीज को उनके बीच में देख रहे हैं। सुजैन को उस दिन उन सुअरों का बिहेवियर देख के बहुत अजीब लग रहा था, और वो थोड़ा डर भी गई थी, और इसीलिए वो जल्दबाजी में वो फेंसिंग को पार करके सुअर के शेल्टर में पहुंच गई, ये देखने के लिए कि उसके सुअर ठीक ठाक है ना नहीं। और जैसे जैसे हड़बड़ी में वो उनके पास आई, उसने देखा कि उसके सुअर किसी चीज को देख नहीं रहे हैं, बल्कि वो सब मिलके कुछ खा रहे हैं। वो सुअरों को जल्दी से साइड करते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ रोबोट पीठ के बल पड़ा हुआ था, उसका पूरा पेट बाहर आ गया था। और सबसे शॉकिंग बात थी कि रोबोट अभी भी जिंदा था। ये नजारा बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। रोबोट अपने हाथ हिला रहा था और वो बड़े दर्दनाक आवाज में कनार रहा था। सुजैन ये बताती है कि वो अकेले सुअरों को रोबोट से अलग नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही एक को हटाती वो वापस फिर आ जाते थे। उसने रोबोट को उठा के दूसरी जगह रखने का भी सोचा, लेकिन रोबोट उस हालत में नहीं था कि उसको उठा सके। उसका निचला और ऊपर का बदन मानो बिल्कुल अलग ही हो चुका था, और वहाँ के सुअर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुजैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोबोट की जान कैसे बचाई जाए, और उससे उसका दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। तो सुजैन दौड़ के अपने घर के अंदर जाती है और एक शॉटगन लेके आती है, और वही पास में खड़े होके रोबोट को एक गोली मार देती है। रोबोट को गोली मारने के बाद सुजैन उसकी लाश को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। सुजैन पूरे 3 दिन के बाद वापस उस सुअरों के शेल्टर में आती है, और वो रोबोट के शरीर का जो भी बचा कुचा हिस्सा था उसे एक ट्रेस बैग में डाल के कचरे में फेंक देती है। शेरिफ जो अब तक बड़े ध्यान से सुजैन की बातें सुन रहा था, अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको याद आता है कि डेप्यूटी ने उसके कानों में जो कहा था वो सुजैन की उस बात से मैच नहीं कर रहा था। डेप्यूटी ने शेरिफ के कान में कहा था कि उन्हें किसी आदमी का कटा हुआ पैर मिला है। वो पैर किसी और का नहीं बल्कि रोबोट हैनी का था, और वो किसी कचड़े दाने में नहीं मिला बल्कि वो सुजैन के ही फार्म के अंदर खुले में पड़ा हुआ था। सुजैन को जब इस बारे में पूछा जाता है तो बोलती है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उस पैर को कचरे से उठाकर वहां खुले में रख दिया था। सुजैन शेरिफ के सारे सवालों के जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे रही थी, और शेरिफ को अभी ये पता नहीं चल रहा था कि उसे आखिर और क्या पूछा जाए। तो वो पूछता है कि रोबोट को वहाँ देख के उसने 911 क्यों कॉल नहीं किया, या किसी को खबर क्यों नहीं की। इस पर सुजैन ये बताती है कि अगर वो ऐसा कर देती तो उसके सुअरों को यूथिनाइज कर दिया जाता, यानी कि मार डाला जाता, जिससे उसका इनकम रुक जाता।
क्योंकि वो अपने सारे पाले हुए सुअरों को टाउन में ही बेचती थी। वो ये भी बोलती है कि अगर उनके सुअर यूटिलाइजेशन से बच भी जाते तो ये खबर वहाँ फैलने के बाद उनका सुअर कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उसके सुअरों ने इंसानों का मांस खाया है। सुजन ने पुलिस को एक बैग की लोकेशन के बारे में बताया जिस बैग में उसने रॉबर्ट के बाकी बचे हुए टुकड़े रखे हुए थे, और अब वो ये बोलती है कि उसने अब तक जितना कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है और वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी रेडी है। लेकिन जब वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बैठती है वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। वो लगातार खांसती है और अजीब अजीब हरकतें करती है जिससे कि पॉलीग्राफी टेस्ट फेल हो जाता है, जिसमें कुछ भी कंक्लूसिव नहीं आता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू करते हैं और इस बार भी सुजैन फिर से वही हरकतें करने लगती है। उससे तंग आके इन्वेस्टिगेटर्स अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट वहीं बंद कर देते हैं। उसके बाद शेरिफ सुजैन से बोलता है कि वो फिर से उसके फार्म की तलाशी लेंगे और अगर इस बार फिर कुछ उनके फार्म में मिल गया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। शेरिफ की बात सुनके सुजैन का हिलना डुलना बंद हो जाता है। वो कुछ देर सोचती है, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ा के टेबल से एक पेपर लेती है और एक पेन लेती है। उसके बाद उस पेपर में वो कुछ लिखना शुरू करती है। वो देखते हैं कि सुजैन उस पेपर पे एक मैप बनाती है और वो मैप था उसके फार्म का। उस मैप को बनाने के बाद वो उसके अंदर एक क्रॉस का मार्क करती है और वो वापस उस पेपर को टेबल से घसीटते हुए इन्वेस्टिगेटर के पास रख देती है और बोलती है कि अगर वो उस जगह जाए तो उन्हें वहाँ स्टेवन मिलेगा, जिसको सुनके फिर से इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद इस बात का भी राज खुलता है कि वहाँ सिर्फ रॉबर्ट का ही नहीं बल्कि और लोगों का भी कत्ल हुआ है। 2012 में रॉबर्ट के आने के एक साल पहले वहाँ स्टीवन आया था और सुजैन के मुताबिक स्टीवन भी रॉबर्ट की तरह ही शांत मिजाज का, अपने काम से काम रखने वाला मेहनती आदमी था। लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल गया था और उसका सुजैन के साथ एक दिन आर्गुमेंट हो गया और उनके झगड़े के चलते सुजैन के हाथों अचानक गुस्से में गोली चल गई और स्टीवन उसी सुअरों के शेल्टर में गिर जाता है, जिसके बाद वहाँ के सारे सुअर उसके लाश के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे खा लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स एक बार फिर उससे पूछते हैं कि उसने 911 या किसी जान पहचान को क्यों खबर नहीं की। उस पर सुजैन फिर से वही बात दोहराती है जो उसने पहले कहा था। वो कहती है कि उसको ये डर था कि उसके सुअरों को या तो यूथनाइज कर दिया जाएगा और अगर वो बच भी जाते हैं तो ये खबर वहाँ फैल जाएगी कि उसके सुअरों ने आदमी का मीट खाया है और उससे उसका इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा। इस केस की पूरी परतें खुलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास पूरी कहानी थी जिसे सुजैन ने उन्हें बताया था, लेकिन उनके पास सुजैन के लिए कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट या सबूत नहीं था जिससे कि वो सुजैन को कोल्ड ब्लडेड मर्डर में चार्ज कर सके। सुजैन अपने कहानी पर अड़ी रहती है और उसके बाद सुजैन का ट्रायल होता है, जहां ज्यूरी के पास एक ही कंफ्यूजन था कि या तो वो सुजैन की बातों को माने या ना माने। ज्यूरी ने आखिर में फैसला करते हुए ये डिसाइड किया कि वो सुजैन की कहानी को नहीं मानेंगे। तो ज्यूरी सुजैन की बातों को जुटलाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुजैन ने स्टीवन और रॉबर्ट दोनों का खून बिल्कुल शांत दिमाग से और सोच समझ कर किया है और खून करने के बाद उसी ने उन दोनों की लाशों को अपने सुअरों को खिला दिया है। ज्यूरी आखिर में ये कहते हैं कि वो सिर्फ यही आशा रख सकते हैं कि वो सुअरों के खाने से पहले ही मर चुके थे। April 21st, 2015, करीब रॉबर्ट के गुजरने के एक साल बाद कई महीनों के ट्रायल के बाद सुजैन को फाइनली 50 साल जेल की सजा मिलती है। जेल में रहते हुए सुजैन के मुंह से कई लोगों ने ये सुना था कि उसके प्रॉपर्टी में 17 बॉडी अभी भी दबी हुई है, लेकिन पुलिस जब वहाँ जाके चारों तरफ फिर से पूरी छानबीन करती है उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता।